एवरीवन, दिस इज यूगिता। वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्राइसिटी प्रॉपर्टी गुरु। सो आजकल एक कंस्ट्रक्शन जो है ट्रेंडिंग में चल रही है, जो कि मायवन कंस्ट्रक्शन रहेगी। एंड हर किसी का ड्रीम होता है कि उसका जो घर रहे वो मायवन कंस्ट्रक्शन में रहे, बट ड्यू टू हाई प्राइसेस जो है कॉमन मैन उसे अफोर्ड नहीं कर पाता। बट जिस प्रोजेक्ट में आज मैं खड़ी हूँ गाइस, वहाँ पे जो है आपको मायवन कंस्ट्रक्शन के साथ जो है आपको फ्लैट मिलेगा विद द वेरी लोएस्ट एंड अफोर्डेबल प्राइसेस के साथ। तो जिस सोसाइटी में मैं खड़ी हूँ गाइस, उस सोसाइटी का नाम रहेगा एक्मे शिवालिक हाइट्स। इसकी लोकेशन की बात करें तो सेक्टर 127 शिवालिक सिटी में इसकी लोकेशन रहेगी। बहुत ही प्राइम लोकेशन है। इसकी जो कनेक्टिविटीज रहेंगी वो भी बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल आपकी एयरपोर्ट रोड से कनेक्टिविटी रहेगी इसकी। एंड जो टोटल सोसाइटी रहेगी वो 4.5 एकर्स की सोसाइटी है, विद ऑल ऑपरेशनल अमेनिटीज फ्रॉम द क्लब हाउस लाइक इंडोर गेम्स, स्विमिंग पूल, जिमनेजियम, पार्टी हॉल। सारी अमेनिटीज आपकी डे वन से ऑपरेशनल रहेगी। और सोसाइटी के अंदर एक एकड़ का आपका ग्रीन पार्क रहेगा। सो अभी हम चलते हैं, सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं इसकी अमेनिटीज को, फिर हम विजिट करेंगे इसका एक्चुअल प्लान। सो आइए मेरे साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं आज ड्राइंग के बारे में। काफी अच्छा स्पेस जो यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक्चुअल फ्लैट फिजिकली है तो आपको प्रॉपरली साइज का आइडिया रहेगा कि कितना अच्छा स्पेस आपको आपकी ड्राइंग एरिया में मिल रहा है। इजिली 7 to 8 सीटर्स आप इसे अपना असेंबल कर सकते हैं। एंड जो फॉर डिजाइन के लिए विद लाइट्स एज जो आपको मिलने वाला है, इसी के साथ अटैच आपकी बालकनी रहेगी। एंड रूम्स के साथ भी अटैच रहेगी एक रंग बालकनी, इसको हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। देन हमारे यहाँ पे जो कि बिल्कुल हमने इसको सेपरेट कर दिया है। एंड राइट हैंड साइड पर सबसे पहले स्पेस आ जाता है रेफ्रिजरेटर का, जो कि आप इजीली अपना रेफ्रिजरेटर प्लेस कर सकते हैं। एंड देन हम अपर कैबिनेट्स की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा स्पेस आपको जो अपर कैबिनेट्स में भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो अच्छा स्पेस जो है गाइस आपको यहाँ पर मिल रहा है। एंड हम लोअर कैबिनेट्स की बात करें तो उसमें भी काफी अच्छा स्पेस मिल रहा है। सॉफ्ट फ्लोर के साथ जो है आपके लोअर कैबिनेट्स रहेंगे गाइस। तो ओवरऑल काफी अच्छा स्पेस आपको जो है कैबिनेट्स के अंदर यहाँ पर मिल रहा है। फुली मॉडर्न किचन जो आप देख रहे हैं एज इट इज, इसका कलर कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा मुझे जो लगा है। और बहुत ही अच्छा स्पेस आपको जो है किचन में मिल रहा है। सो गाइस इसी के साथ जो है आपका कम्युनिटी एरिया मिल रहा है, सो अगर वॉशिंग का फैसिलिटी आप जिससे यूज कर सकते हैं। प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन जो है आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। काफी अच्छा स्पेस जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो अभी आपने देखा हमारा ड्राइंग एरिया, डाइनिंग एरिया एंड हमारी मॉडल किचन। तो हम चलते हैं अपने बेडरूम की तरफ। तो सबसे पहले हम एक्सप्लोर करते हैं हमारा फर्स्ट बेडरूम। सो गाइस ये रहेगा आपका फर्स्ट बेडरूम, जिसके अंदर सबसे पहले साइज की बात करें तो मिल जाएगा इजिली गाइस। यहाँ पे आप जो है बेड प्लेस कर सकते हैं, उसके बाद अगर साइड टेबल का भी यूज करेंगे तो भी बहुत ही अच्छा एंड सफिशियंट स्पेस मल्टीपल के लिए आपका मिल जाएगा। एंड सबसे अच्छी बात गाइस यहाँ पे जो है वॉलपेपर जो आपकी रहेगी वो एक बिल्ट है, तो आपके जो रूम का स्पेस है वो कवर नहीं किया गया है। बहुत अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड आपको जो कवर्स का भी स्पेस है वो भी काफी अच्छे यहाँ पे जो है मिल रहा है। नीचे जो है आप सब देख रहे हैं यहाँ पे स्टोरेज के लिए भी सेक्शन से मिल रहा है। इस तरफ भी अगर हम देखेंगे तो डिफरेंट कैबिनेट्स आपको मिल जाएंगे, तो स्टोरेज की तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नीचे शूरेक के लिए भी आपको जो स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। एंड बिल्कुल सामने वाले वॉल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप जो है बहुत ही अच्छा सा एलईडी पैनल को इंस्टॉल कर सकते हैं।
एंड बड़ी से बड़ी स्क्रीन को यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, अपने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ जो है एंजॉय कर सकते हैं। एंड गाइस ऊपर लोअर फॉल सीलिंग की बात करें तो ऐसी चीज जो है आपको यहाँ पर मिलेगी। एंड इसके साथ आपकी जो है बालकनी भी है, डैश लाइट भी, बालकनी को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको मतलब डैश डोर भी यहाँ पर मिल रहा है। तो आइए चलते बालकनी में। सो गाइस एक कॉमन बालकनी मिलेगी आपके फर्स्ट बेडरूम से, ड्रॉइंग रूम से एंड आपके सेकंड बेडरूम से। तो एक रनिंग बालकनी जो है ये हो जाती है। काफी अच्छी स्पेस आपको यहाँ पे बालकनी के अंदर मिल जाएगी, जहाँ पे अगर आप चाहो तो वॉश करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप सीटिंग्स भी यहाँ पे अरेंज करते हैं टेबल चेयर्स का यूज करके तो वो भी बहुत ईजिली जो है आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी यहाँ पे चाइस रहते हैं, वेंटिलेशन जो हो रही है बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, तो फुली वेंटिलेटेड जो है आपका फ्लैट भी रहेगा, आपका घर रहेगा। सो आई चलते एक्सप्लोर करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन। सो गाइस सेकंड बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी इस रूम के साथ जो है अटैच वॉशरूम रहेगा। बहुत ही अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे जो है वॉशरूम में मिल जाएगा, और ग्रेनाइट पिंस के साथ जो है आपको वॉशरूम मिलेगा। सो आइए चलते हैं सेकंड बेडरूम के ऊपर। तो मेन एंट्रेंस सेकंड बेडरूम के आपके यहाँ से रहेगी, एंड अगेन बहुत ही अच्छा आपको स्पेस आपके बेडरूम के जो है अंदर मिल जाएगा। अगर आप बेड भी यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं साइड टेबल्स के साथ तो भी आपके पास सफिशियंट स्पेस रहेगा ग्रोथ करने के लिए। एंड यहाँ पर भी जो है कबर्ड्स गाइस एंजल नेस्ट सेकंड लेआउट रहेगा इसका भी, तो इसका भी आपको अगेन एक प्लस पॉइंट ये मिल जाएगा। इस रूम का जो है साइज क्लियर साइज रहेगा आपका, यहाँ पर भी आपको डिफरेंट सेक्शन मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बालकनी रहेगी आपके सेकंड बेडरूम के साथ ही अटैच रहेगी, एंड इसमें आपको मैच डोर भी मिल रहा है, तो उसका भी आपको काफी अच्छा एडवांटेज मिलेगा यहाँ पे। एंड गाइस अगर आप चाहते हैं अपने रूम को डेकोरेट करना तो बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। नीचे वॉलपेपर का जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं, एलईडी लाइट्स का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सामने आपकी वॉल पे आ जाएगा। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा एलईडी पैनल को आप डिजाइन कर सकते हैं ताकि और आपके जो रूम की लुक जो है एनहांस हो, सिक्योरिटी हो, इंक्रीज हो, तो कोई भी गेस्ट आए तो वो भी जरूरी कहें कि वाह क्या आपने रूम को डेकोरेट किया हुआ है। तो वही एक्चुअल प्लान है, तो आपको प्रॉपरली मेरा कंसर्न ये है दिखाने का कि आपको प्रॉपर साइज से पता चले कि कितना साइज जो एक्चुअल प्लान में आपको जो है मिलने वाला है। इसी के साथ अटैच रहेगा आपका वॉशरूम नाइस, वो भी बहुत ही अच्छे स्पेस के साथ आपको यहाँ पर मिल रहा है। इसमें आपको सारे के सारे फिटिंग्स जो है सारी ब्रांडेड फिटिंग्स हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। सो ये था हमारा सेकंड बेडरूम। सो आइए चलते हैं लास्ट बेडरूम में। सो गाइस ये रहेगा आपका लास्ट बेडरूम। मैंने कहा बेडरूम इसका साइज बाकी कंपैरेटिव अगर बेडरूम से करें तो बहुत ही अच्छा साइज जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पे अगर आप बेड प्लेस करते हैं तो इजिली आपके पास अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड यहाँ पे अगर आप चाहें तो वॉर्डरोब प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप दो वॉर्डरोब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप वॉर्डरोब प्लेस करेंगे तो आपका जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा आपके स्पेस के लिए। एंड सो गाइस इसी रूम के साथ जो है अटैच रहेगी आपकी बालकनी। बालकनी में आपको एक मैच डोर भी प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड ये किचन सेक्शन के साथ रहेगी आपकी हाउस। सो गाइस ये आपकी एक पर्सनल बालकनी आपके इस रूम के साथ मिल जाएगी, जिसका पर्पस मेनली ये रहेगा प्रॉपरली वेंटिलेशन सनलाइट आपको मिलती रहे। एंड अगर आपको चिट चिट भी करनी है तो आपके पास एक प्राइवेट बालकनी रहेगी, तो आप यहाँ पे आप कर सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा स्पेस भी आपको यहाँ पे जो है मिल रहा है। एंड गाइस इसी रूम के साथ आपको अटैच वॉशरूम भी मिल रहा है, इसका स्पेस भी बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा, एंड विद ऑल बेनिफिटिंग्स के साथ जो है आपके वॉशरूम्स मिलेंगे। सो ये था हमारा 3 BHK का फ्लैट विद द साइज ऑफ 1730 स्क्वायर फीट। एक एक्चुअल फ्लैट गाइस दिखाने का मेन पर्पस ये होता है कि आपको क्या क्या चीजें जो एग्जैक्टली मिलने वाली होती है, क्योंकि सैंपल फ्लैट तो आपको हर कोई दिखाएगा कि ये एक सैंपल फ्लैट को डेकोरेट करके, बट एक्चुअल फ्लैट में आपको प्रॉपर क्लियरिटी रहती है कि एग्जैक्टली आपको बिल्डर जो है क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये 3 BHK का फ्लैट पसंद आया होगा। अगर गाइस आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग लोकेशन प्राइस तो आप मुझे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।